गाइस इस बार आपको प्रॉब्लम आ रही है कैपकट में, लेकिन मुझको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्या साबित करना चाहता है तू? गाइस आपको तो पता ही होगा, मैंने टेलीग्राम पे आपसे पूछा था कि आपको लेटेस्ट वर्जन में नो साउंड अवेलेबल ऑन डिवाइस की प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे गैलरी के सॉन्ग्स हैं वो गाइस कैपकट में शो नहीं हो रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर तुम इन्हें फॉलो करते हो तो गाइस तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम वो फिक्स हो जाएगी। गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। टिप नंबर वन, सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों ऑल फाइल्स पे क्लिक करना, इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करना, जो भी आपके म्यूजिक से सिंपली आपको उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। तो जिस फोल्डर में आपने म्यूजिक से डाले हैं सिंपली आपको उसे ओपन करना है। तो फॉर एग्जांपल गाइस यहां पर कुछ साउंड इफेक्ट्स जो गाइस मैं कैपकट में लाना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं करूंगा क्या, सबसे पहले जितने भी म्यूजिक से गाइस मैं यहां से करूंगा उन सारे म्यूजिक को सेलेक्ट, उसके बाद दोस्तों मूव पे क्लिक कर दूंगा और इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंटरनल स्टोरेज के होम पेज पे ही गाइस इन सारी फाइल्स को कर देना है गाइस पेस्ट। सारे साउंड इफेक्ट्स हैं वो गाइस यहां पर होम पेज पे आ चुके हैं इंटरनल स्टोरेज के। तो गाइस आपको भी इसी तरीके से सारे साउंड इफेक्ट्स को होम पेज पे ले आना है। तो आपको फोल्डर से निकाल के आपको इंटरनल स्टोरेज के होम पेज पे पेस्ट कर देना है सारे म्यूजिक को, ठीक है। फिर गाइस ये सारे म्यूजिक आपके कैपकट ऐप में आ जाएंगे। आपको दूसरी टिप भी बताना चाहता हूँ गाइस, कभी कभी क्या होता है गाइस, जो म्यूजिक का फॉर्मेट है वो गाइस थोड़ा अलग रहता है। जैसे गाइस अगर आप एडोबी पॉडकास्ट एनहांस वगैरह करवाते हो वॉइस, तो गाइस उसका जो फॉर्मेट रहता है वो गाइस डॉट वेब रहता है। तो गाइस ये जो फॉर्मेट है वो गाइस कैपकट सपोर्ट नहीं करता है, तो इस वजह से भी गाइस हमारे जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो कैपकट में नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या गाइस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कुछ साउंड इफेक्ट्स हैं जो कि गाइस वेब फॉर्मेट में है। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और गाइस जो वेब फॉर्मेट है हम गाइस ऐसे करेंगे यहां से कट और डॉट लगा के गाइस हम यहां पर MP3 कर देंगे। बस गाइस आपको इस तरीके से फॉर्मेट को चेंज कर देना है, फिर गाइस आपके जो म्यूजिक हैं वो कैपकट में आ जाएंगे। गाइस मैंने आपको दो ट्रिक्स बता दी हैं, लास्ट ट्रिक बताने से पहले मैं आपको मेरा कैपकट ऐप एक बार चेक करवा देता हूं, मेरे कैपकट ऐप में म्यूजिक आ रहे हैं कि नहीं। तो मैं इसी वीडियो पे क्लिक कर देता हूं, उसके बाद गाइस यहां पर मैं ऑडियो पे क्लिक करूंगा, साउंड्स पे क्लिक करूंगा, यहां पर मैं डिवाइस पे क्लिक कर दूंगा। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर म्यूजिक्स आ रहे हैं। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उसने मुझको कहा कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर गाइस मैंने टेलीग्राम पे एक पोल डाला, उसमें मैंने आपसे पूछा कि आपको कैपकट के लेटेस्ट वर्जन में नो साउंड अवेलेबल ऑन डिवाइस की प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। तो 63% लोगों ने कहा कि हमको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मुझको ये वाली वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूँ उन्हें फॉलो कीजिए, अगर उनसे भी अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो गाइस जो लास्ट का तरीका है इसे तुम फॉलो करो, इससे तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर फिक्स हो जाएगी और यहाँ पर साउंड लेकिन गाइस इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो भी आपके पास कैपकार्ट है उसे डिलीट करना होगा और आपको कैपकार्ट का ऑफिशियल वर्जन डाउनलोड करना होगा। आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे अगर डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक से अगर आप कैपकार्ट को डाउनलोड नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको कुछ ना कुछ बता ही दूंगा, ठीक है। दोस्तों अगर तुम वीडियो के यहां तक देख रहे हो तो मैं तुमको एक बोनस टिप देना चाहता हूं, कैपकार्ट ऑफिशियल को डाउनलोड करने से पहले जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं गाइस उन्हें आप कैपकार्ट स्पेस में सेव कर देना या गाइस कंप्लीट कर लेना, क्योंकि जब तुम डिलीट करोगे जो भी आपके पास कैपकार्ट है तो गाइस सारा कुछ लॉस हो जाएगा। अगर तुम लॉस नहीं करना चाहते तो स्पेस में जरूर सेव कर लेना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस इतना ही, जो भी मैंने आपको टिप्स बताई उन्हें फॉलो करो और इस प्रॉब्लम को ठीक करो।